चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार एक बार फिर एक साथ मैदान में दिखाई दिया। मौका था नई साल के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे बांगर उत्सव का, जिसमें कई तरह के खेल और हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिली। लेकिन इस उत्सव के दौरान पूर्व विधायक प्रेमलता और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, उससे इसमें सियासत का तड़का भी लग गया। पूर्व विधायक प्रेमलता ने जहां दुष्यंत को निशाने पर लिया, तो वहीं बेटे ब्रजेंद्र सिंह के निशाने पर रहे अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी इनेलो। प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को लेकर कह दिया कि अच्छा हुआ वो उचाना से जीत गया, उसके कामों को देखकर जनता को अपने पराये का एहसास तो हो गया। वहीं अगर बात करें ब्रजेंद्र सिंह की, तो उन्होंने अभय सिंह चौटाला के उस बयान को गप बता दिया, जिसमें अभय सिंह ने कहा था कि इनेलो पार्टी उचाना से सीएम कैंडिडेट उतारेगी। अंत में अब आप सुनिए कि इन दोनों माँ बेटों ने कैसे एक एक कर जजपा और इनेलो के तगड़े मजे ले लिए। कल सर कार्यक्रम था, महिला सम्मेलन का, सर इनेलो द्वारा करवाया गया था, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की कि उचाना को सीएम कैंडिडेट देगी इनेलो पार्टी। मतलब मैं ये चीज बहुत बार कहता हूँ कि गप की कोई सीमा होनी चाहिए, और हम उसको इस प्रकार से सवाल पूछ के उसको तरजीह देंगे तो वो भी ठीक बात नहीं है। दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई कहे तो बात समझ में भी आए। अब एक एमएलए की पार्टी है, उचाणा में कोई वजूद नहीं है, मेरे को ये भी ध्यान नहीं पिछली बार उनकी वोट कितनी आई थी, तो ठीक है। उचाणा पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि ये तैयार जमीन है किसी भी नए व्यक्ति के लिए बाहर से आने के लिए, तो वो भी अपनी कोशिश में आ रहे हैं। जहाँ तक उचाणा की विकास की बात है, अब ये स्टॉल लगे हुए थे, इसमें मैंने जो पिछले एक साल उनसे महिला प्रोग्राम रखा सके सहेली के नाम से, उसकी हमारे को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, जो कभी दुष्यंत ने या डिप्टी सीएम ने कभी करी नहीं। और इसी तरह अब आने वाला टाइम भी महिलाओं का ही है, और महिलाओं में जागृति लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू करे थे। उसके बाद फिर मैंने और भी स्टॉल देखे, तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे, तो कहने लगा जी, मैं कहा भाई और भी डिप्टी सीएम का क्या हाल चाल है, कहते हमने देखे ही नहीं। तो मैं कहा उसका जीतना भी मैं उचाणा के लिए अच्छा मानती हूँ, हम सब लोगों को अपने पराये की पहचान तो हुई, अच्छे बुरे की पहचान तो हुई, कौन काम करने वाला है कौन काम नहीं करने वाला है उसका पता तो लगा। जित लोगों के दिमाग में यही रहता है कि वीरेंद्र सिंह का परिवार आता है, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, आपने भी देखा होगा हर पार्टी किसी के लिए अच्छा तो बोलती नहीं, उसने कुछ कमी निकालने की कोशिश करती है। और हम ये कहते हैं कि हमने हमारा हम निस्वार्थ भाव से उचाणा को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। तो पिछले 5 साल में जो काम हुए थे, जो 2014 से 2019 में और 19 के बाद अब जो काम हुए हैं, हमें तो कोई नज़र नहीं आता। तो आगे के लिए किस तरीके की तैयारी में? इसमें तो देखो हम खुद तो कुछ नहीं कह सकते, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, एमपी की मिलेगी एमएलए की मिलेगी, दोनों मिलेंगी एक भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे को इंडिपेंडेंट लड़ना पड़े, इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे हम।